ठहरो संकरी, जसोदा के पीठ पीछे दंड को पलटना उचित ना होगो। जिसने दंड दिया है क्षमा करने का अधिकार भी उसी का है। तो मौसी, जे सब का आरंभ हमने किया है तो अंत भी हम ही करेंगे। जसोदा जी, भाभी द्वार खोलो। जी जी, द्वार खोलो जी। जसोदा जी, बस अब बहुत होगो। हमने कहा ना कि चुगली लगाई थी ना, अब हम ही शिकायत वापस ले रही है। भूल मेरी, मैंने इन सब की बात पहले ना सुनी, जिसके कारण काना का साहस बढ़ता चला गया और इन सबको माखन और मटकी की हानि होती चली गई। हम अपनी शिकायत वापस ले रहे भाभी, खोल दो ना उसे। हाँ जी जी, अब बहुत होगो, अब और दंड की आवश्यकता ना है। ना मेरे कान्हा के कारण इन सबको जो हानि सहनी पड़ी है, मैं उसकी भरपाई करूंगी। कम से कम उस देर के लिए तो मैया का ध्यान भटका, अब मेरे दंड के कारण वो स्वयं को कष्ट नहीं देगी। सारी भरपाई कर दूंगी, पर किसी की हानि ना होने दूंगी। कोई रिक्त हाथ ना जाएगा आज। जसोदा जी, जी, द्वार खोलिए। जसोदा जी, बस अब बहुत होगो। हमने कहा ना कि चुगली लगाई थी ना, अब हम ही शिकायत वापस ले रही है। हाँ, हम अपनी शिकायत वापस ले रहे भाभी, खोल दो ना उसे। हाँ जी जी, अब बहुत होगो, अब और दंड की आवश्यकता ना है। भाभी बस कर दो, अब खोल दो काना को। जीजी, जीजी द्वार खोलो। जीजी, जशोदा जी, मुझे पता है तुम सबको क्या चाहिए। भीतर आओ। जी जसोदा कर क्या रही है? श्री हरि, नारायण हरि। ये कैसा खेल रच रहे हैं प्रभु? आज तो बहुत प्रसन्न होंगी ना तुम सब। देर लगी पर जसोदा जी के सामने सत्य आ ही गया। जे जसोदा झूठी और तुम सब सच्ची सिद्ध हो गई। अब तो जसोदा जी को मानना ही पड़ेगा कि उनका कान्हा सच्ची में माखन। तुम सबके मन में क्या है भली भांति जानती हूं मैं। बहुत हानि की है ना तुम सबके कान्हा ने, जे रही उसकी भरपाई। बस अब तुम सब मुझे और मेरे कान्हा को क्षमा कर देना। ले सुमति। ना जीजी, जे तो ना ना रख ले। वैसे तो उसे इतना कड़ा दंड दियो है ना कि आगे से ऐसा कोई कार्य ना करेगो, पर यदि करो ना तो जे चांदी की मटकी है जे टूटेगी ना। लो सुलक्षणा। ना जशोदा जी, जे भरपाई ना चाहिए हमें। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप जाओ और कान्हा को खोल दे। ले, अरे ले। ना भाभी, हमें ये सब ना चाहिए। हम यहाँ किसी हानि की भरपाई के लिए थोड़ी ना आए हैं। हम तो यहाँ बस ये कहने आए हैं कि आप खाना को छोड़ दीजिए ना वहां से।
ले जाती है। भाभी भाभी सच्ची बात तो ये है कि उससे अधिक पीड़ा आपको हो रही है और हम सबको ये बात पता है, तो फिर क्यों भाभी क्यों उसे इतनी धूप में बांध रखा है आपने? यदि कान्हा ने इससे अधिक माखन खाया हो तो बता देना, और दे दूंगी मैं, जितना चाहिए उतना ले जाना। न छुपा सके हैं, बांधा तो इसने अपने लल्ला को है, पर बंधा है इसका हृदय अपने कान्हा से, और उसकी तड़प अभी भी अपने हृदय में यहां पर महसूस कर रही है। कितना सारा भार ढो रहे हैं फिर भी कितनी सरलता से चल रहे हैं। दामोदर कृष्ण का यह दृश्य ये सिद्ध करता है कि जब व्यक्ति का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो तो दुर्भाग्य का भार कितना भी क्यों ना हो उसके पांव की बेड़ी नहीं बन सकता। तो ये शिक्षा दे रहे हैं प्रभु, व्यक्ति के कंधे चाहे अतीत के कष्टों तले करा रहे हो या दायित्व के भार तले दबे जा रहे हो, उसे सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि कोई ऐसा करने में सफल हो जाए तो कुछ समय बाद उसे अपने भार का अनुभव ही नहीं होगा। उसका आत्मविश्वास और शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो स्वयं ही अपने मार्ग में आने वाले अन्य कष्टों का सामना करने में समर्थ हो जाएगा और अंत में अपना उद्देश्य पाने में सफल हो पाएगा। बस कर जशोदा, तुझे क्या लगता है कि हमें ना पता है कि तू क्या चाहती है? तू चाहती है कि अभी दौड़ के जाए और उसे खोल दे, तो क्यों रोक रही है अपने आप को? हाँ जशोदा जी, आप ना जाओगी तो मैं स्वयं जाके खोल दूंगी। ना, मैंने बांधो है ना, तो मैं ही खोलूंगी। श्री हरि नारायण हरि श्री हरि नारायण हरि। क्या हुआ नलकुवर, कहाँ खो गए मनीकृष्ण? पहचाना नहीं क्या? मैं वही हूँ जिसका नाम तुम दोनों युगों से जप रहे थे। नारायण हरि श्री हरि। प्रभु वसुदेवसुतं देवं हंसचाणूरमर्दनं यशोदपरमानन्दं प्रभु, आपने हम पापी भाइयों को दर्शन देकर हमारा उद्धार कर दिया। प्रभु हम हैं तो श्री कुबेर देव के पुत्र, किंतु हम इतने सौभाग्य के योग्य नहीं हैं। हमसे घोर पाप हुआ था प्रभु। अद्भुत अद्भुत आनंद है इस वारुणी में। लटू लुना रे हरे
नारायण हरि 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 नारायण हरि। क्या हुआ, तुम रोक रुक क्यों गए? लगता है इन्हें आनंद चखाना पड़ेगा नलकुवर। कुबेर के पुत्र हैं हम, ये जो भी हो हमें क्या। श्री हरे नारायण हरे नारायण हरे श्री हरे नारायण हरे। नलकुबर मणिग्रीव बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, या फिर इतने उन्मत्त हो गए हो कि तुम्हें ये बात का भी ध्यान नहीं है कि पूरी तरह नग्न हो? हाँ, है तो तुम दोनों को तनिक लज्जा भी नहीं है, उन्मत्त हाथियों की तरह जल क्रीड़ा कर रहे हो। ये भी भूल गए तुम कि श्री कैलाश से बहने वाली पवित्र माँ मंदाकिनी की गरिमा और मर्यादा को भंग कर रहे हो। ऐसी कौन सी मर्यादा भंग कर दी हमने देव ऋषि? तो आप चाहते हैं कि हम लज्जित हो, पर किस लिए देव ऋषि? केवल इसलिए कि हमें सुंदर और बलिष्ठ धन प्राप्त हुआ है, या फिर इसलिए कि हमारे पास अथाह धन है, सुख सुविधा का साधन है जिससे आप वंचित हैं देव ऋषि? इन तामसिक विचारों पर और इस दुष्कृत्य पर लज्जा आनी चाहिए तुम दोनों को, लज्जा आनी चाहिए अपने अभिमान पर। तुम दोनों का जन्म कुबेर के वंश में इसलिए नहीं हुआ कि अपना जीवन मदिरा और भोग विलास में व्यर्थ कर दो। यदि तुम्हें इस जीवन का सौभाग्य मिला है तो इसलिए, ताकि तुम कुछ परोपकार कर पाओ, समाज का, विश्व का कल्याण कर पाओ। अरे देव ऋषि, हम कल्याण ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, इन स्त्रियों का, इस मदिरा का और इस जीवन का। जड़बुद्धि और अहंकारी हो तुम दोनों, तुमसे श्रेष्ठ तो वृक्ष हैं जो नग्न होकर भी अपने जीवन को विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते हैं। अब हम आपको कैसे समझाएं ऋषि कि हम वृक्ष नहीं हैं? तो आज से अगले 100 वर्षों तक तुम दोनों वृक्ष बनकर ही जियोगे, ताकि इस अवधि में तुम श्री नारायण की कृपा से अपने वातावरण के प्रति सम्मान प्रकट करना सीख पाओ। ये मेरा श्राप है तुम्हें, देवर्षी। हरे नारायण हरे, श्री हरे नारायण हरे। कृपा श्री हरि नारायण श्री हरि, कृपा श्री हरि नारायण श्री हरि। हमने तो देव ऋषि नारद का अपमान किया था, हम तो इस योग्य भी नहीं थे प्रभु कि हमें आपके साक्षात दर्शन के सुयोग्य मिले। प्रभु आपकी लीला, आपका बचपन, आपका हंसना रोना रूठना, आपके नन्हे नन्हे पाँव का पहला पग रखना, आपके श्री मुख से पहला स्वर सुनना, हम इन सबके सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु। हम तो इसके अधिकारी भी नहीं थे, हमसे घोर पाप हुआ था, देव ऋषि नारद के श्राप के योग्य थे। फिर हमने ऐसे कौन से पुण्य के कर्म किए थे जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु? अविश्वसनीय है पर सत्य है, श्राप के रूप में एक सोचा समझा आशीर्वाद ही था ये, ताकि तुम दोनों उन विकारों से मुक्त हो पाओ जिनके उन्माद में तुम खो गए थे। एक बार सूर्य से साक्षात्कार हो जाए तो फिर किसी की आंखों में अंधकार वास नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जब किसी को ऐसे सद्भक्त से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए जो अपने आराध्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, तो फिर वो भाग्यशाली सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण से या किसी भी प्रकार के अन्य विकारों से ग्रस्त नहीं रह सकता। तुम दोनों भी मुनि नारद के आशीर्वाद के कारण अपने सभी विकारों से मुक्त हो चुके हो। अब तुम स्वर्ग लोक लौट सकते हो। नहीं श्री हरि, हम यही रहना चाहते हैं गोकुल में, आपकी भक्ति की छत्र छाया में प्रभु। पर शीघ्र ही मैं सेम्बिया नहीं रहूंगा, इसीलिए अब तुम भी जाओ और अपने करते हुए का
पालन करो। मेरी भक्ति की इच्छा तुम्हारे हृदय में जाग चुकी है, अब कभी भी तुम अपने पद से नहीं भटकोगे। आप धन्य है श्री कृष्ण, आप धन्य है नारायण, आप धन्य है श्री कृष्ण, आप धन्य है नारायण।